पौधों को लगाए जाने को लेकर एनसीसी कैडेट्स की ओर से वृक्ष लगाओ जागरूकता रैली निकाली गई। क्रिश्चियन स्कूल से इस रैली का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रैली वापस आकर क्रिश्चियन स्कूल पर ही समाप्त हुई। लगातार बदल रहे मौसम और प्रकृति के बदलते स्वरूप को लेकर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाना ही प्रकृति को बचाए जाने का उद्देश्य साबित होगा। इसी के तहत नगर के क्रिश्चियन स्कूल से एनसीसी कैडेट की ओर से वृक्ष लगाओ अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ नगर के क्रिश्चियन स्कूल से किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स के दर्जनों छात्र शामिल थे। सभी छात्र छात्रों में वृक्ष लगाओ देश बचाओ जैसे स्लोगन लिखे टेम्पलेट लिए हुए थे। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वृक्ष लगाओ जागरूकता रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस नगर के क्रिश्चियन स्कूल पर जाकर समाप्त हुई। रैली में शामिल एनसीसी कैडेट्स नारे लगाते हुए लोगों को वृक्ष लगाने के लिए जागरूक करने का काम कर रहे थे। किस उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया, आइए आपको भी सुनाते हैं। पेड़ ना काटे जाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, इसके उद्देश्य में हम लोगों ने रैली निकाली। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई? क्रिश्चियन कॉलेज से शुरू हुई थी, संता चौराहे से जाना था और फिर कॉलेज में आना था और सबको जागरूक करना था कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में पेड़ लगाए जाए और पेड़ कम से कम काटे जाए। ठीक है, दीपू चौहान। तो आज आप लोगों ने रैली निकाली, क्या उद्देश्य था, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई? मेरा उद्देश्य ये था कि मैं अपने कॉलेज से रैली निकालूं, संता बसंता चौराहा से वापस ले आऊं और वृक्षारोपण के लिए मैंने रैलियां निकाली, पेड़ पौधे लगाने के लिए, पेड़ पौधे लगाएं, अपने देश की सुरक्षा करें, यही मेरा मोटिव है।